कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया तो डीके शिवकुमार तमतमा गए और उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन पर लगे आरोप साबित हो जाएं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बीजेपी नेता के आरोपों पर पलटवार करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर मैंने किसी से कमीशन लिया है तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन यदि आरोप गलत साबित हुए तो क्या बोम्मई और अशोक अपने राजनीतिक संन्यास की घोषणा करेंगे। गौरतलब है बेंगलुरु विकास विभाग संभालने वाले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि बीबीएमपी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की जांच में सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, न कि केवल एक विभाग को। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पूरे राज्य में खासकर बीबीएमपी में गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त है। बोम्मई ने कहा कि ठेकेदार संघ ने राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है, उन्होंने राहुल गांधी को भी ट्वीट किया है और वे हमसे भी मिले हैं, इसीलिए हमने उनका मामला उठाया है। यहां गंभीर खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। पिछले 3 माह से ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। वे भुगतान रोकने के लिए कुछ पूछताछ को कारण बता रहे हैं। उन्हें पूछताछ करने दीजिए, हम उन्हें नहीं रोक रहे हैं। उन्हें जांच करने दीजिए और दोषियों को फांसी देने दीजिए, लेकिन जिन सच्चे लोगों ने पिछले 6 महीने से काम किया है उन्हें कोई भुगतान नहीं हो रहा है। बोम्मई ने दावा किया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो इस साल अप्रैल में उन्होंने 650 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।